कला भगवान का दिया हुआ वह वरदान है जिसके माध्यम से कलाकार अपने हस्त कौशल से उस हुनर को लिपिबद्ध करता है, संजोता है, सहेजता है और इस तरह पिरोकर नई आकृति की रचना करता है। ऐसे ही कलाकार उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र अल्मोड़ा के रानीखेत में निवास करता है, नाम है मंजू आर शाह। ये परंपरागत शिल्प जिसके माध्यम से मंजू के द्वारा इसको आकृति और रूप प्रदान किया जाता है, वह उत्तराखंड के पारंपरिक प्रकृति में मिलने वाला बहुतायत मिलने वाले वृक्ष से जुड़ा है। आइए इस पूरी की पूरी रचना, सोच और इसको आकार लेने वाले इस के बारे में स्वयं मंजू से जानते हैं। आप हमें ये बताएंगे कि ये सब जो रचना है, जो आकृतियां बना रहे हैं, किस चीज की बनाते हैं और इससे क्या नए नए आकृतियां आपने आज तक बनाई हैं? ये पिरूल जो मिलता है पहाड़ में, वो नागनी का जो सबसे प्रमुख कारण माना जाता है, जिसे उससे बनाया जाता है। इसे हमने फ्लावर पॉट और टोकरियाँ, पेन स्टैंड और पूजा के लिए बास्केट आए बहुत चीज़ें बन सकती हैं, कोस्टर ग्लास के ऊपर ढकने का और हैट आदि, मैट और उसमें टेबल मैट ड्राइंग रूम के ऊपर बिछाने के लिए बहुत सारी पायदान वगैरह बन सकती हैं। इसको बनाते हुए आपको कितना वर्ष हो गया और किस तरह आपने इसको प्रशिक्षण इसका प्रारंभ किया? मैंने 2012 से इस काम को कर रही हूँ। 2012 में जब मैं अपने मायके गई हुई थी, मेरी मम्मी के पास एक पिरूल का बना हुआ फ्लावर पॉट आया था, जिसको मैंने बड़ी जिज्ञासा से मैंने मम्मी से पूछा कि ये किसने बनाया। मम्मी के द्वारा बताया गया कि ये मौसी की लड़की ने बनाया है। तो मैं एक दिन का प्रशिक्षण लेने उसके घर पे गई कोसी पे, और उसने मुझे मात्र एक दिन में ही सबको सिखा दिया। तो उसने केवल बास्केट बनाना सिखाया था, उसके बाद हमने उसको आगे और सोचते हुए और बहुत सारे आइटम बनाने की सोची, जिससे आज हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं और इससे रोजगार भी मिल सकता है। अभी तक आपने किन किन प्रदर्शनियों में प्रतिभाग किया है? मैंने कला उत्सव में अल्मोड़ा में जनपद स्तर पर प्रतिभाग किया था। उसके अलावा हमने विज्ञान महोत्सव में अल्मोड़ा में हमारा प्रथम निकला था। उसके बाद हम इस कला को लेके ऋषिकेश में भी गए थे, जहाँ पर भी हमारे कार्य को काफ़ी सराहा गया। ऋषिकेश में राज्य स्तरीय ये वेस्ट मटेरियल आइटम को हमारे बहुत अधिक सराहा गया। सरकार के द्वारा या किसी स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से आपकी रचना को कोई पुरस्कार या सरोकार? जी, दैनिक जागरण में 6 फरवरी 2017 में मेरा एक लेख प्रकाशित हुआ था, जिसमें प्रताप सिंह नेगी दैनिक जागरण के पत्रकार, उनने इस कला को उसमें वो समाचार पत्र में निकाला हुआ था प्रमुखता से। क्या इससे संबंधित सरकारी योजनाओं के बारे में आपको कोई जानकारी है? CCRT के माध्यम से मैं इस योजना को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही हूँ, जिसके गौरी शंकर कांडपाल भैया ने मुझे इसकी जानकारी दी और उनने इस चीज़ को आगे बढ़ाने का एक भरोसा दिया कि इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इसको और अधिक लोगों को फैला सकते हैं, संस्कृति को बचा सकते हैं। कला की इस साधक के द्वारा स्थानीय स्तर से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों में अपना प्रतिभाग किया गया है और बच्चों को भी उनके द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ये उनसे जानते हैं। आपके द्वारा किन बच्चों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है? मैंने वर्ष 2012 में जब ताड़ीखेत में आई थी, वहाँ पे बच्चों को मैंने इसका प्रशिक्षण दिया। वो बच्चे पास आउट होकर निकल गए हैं और अपने विभिन्न जगह पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा मैं समय समय पर वहाँ की शिक्षिकाओं को प्रशिक्षण देते रहती हूँ और उनके द्वारा बुलाया जाता है, तो मैं उन सबको जहाँ जहाँ पर से मुझे बुलाया जाता है, मैं वहाँ अपना बेहतर करने का प्रयास करती हूँ। रमसा की आर्ट एंड क्राफ्ट योजना जो विद्यालयों में चलती है,
उसमें मैं दो बार प्रशिक्षण दे चुकी हूँ। परंपरागत पिडूल को इस तरह से गोंथ करके बनाई हुई आकृति हमें दिखाई देती है। एक के साथ दूसरे पिरूल की इन तनों को जोड़ते हुए इस तरह से यह बनाया जाता है और हमें बाद में इस तरह की विभिन्न आकृतियां देखने को मिलती हैं। इसमें स्थानीय ऊन का इस्तेमाल भी किया जा सकता है अपनी सुविधा अनुसार, आवश्यकता अनुसार।